प्रणाम सभी भक्तों को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च अतीतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद भक्ता स्वागत है सभी भक्तों का। गुरु वैष्णव कृपा से हम आखिरी अध्याय 18वां अध्याय जो कि उपसंहार के रूप में चल रहा है, भगवान संन्यास और त्याग के संबंध में उत्तर देते हुए, जिसमें कि ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, कर्म की आवश्यकता पड़ती है, कर्ता की आवश्यकता पड़ती है, इन सब चीजों का भगवान ने वर्णन किया है। उसके साथ साथ भगवान ने बुद्धि का भी वर्णन किया। बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। बुद्धि के साथ साथ भगवान ने धृति अर्थात धृति यया धारयते बोले। धृति मतलब ऐसा धैर्य शक्ति, ऐसी धारणा शक्ति, मतलब जहां धारणा को धारण किया जाए उसे धृति कहते हैं। जैसे कहा जाता है ना, भाई इसने ऐसी धारणा बना रखी है, तो बना के कहाँ रखता है वो, बोले वो धृति के अंदर रखी जाती है। हम लोगों की अपनी अपनी व्यक्तिगत धारणाएं हैं, वो धारणाएं ऐसे ही नहीं बन जाती, वो धृति के कारण धारणा ऐसी बन जाती है। तो हम धृति तक चर्चा कर चुके थे कल कि किस प्रकार से व्यक्ति धारणाएं बना करके जीता है। किसी की धारणा है कि मुझे बांटने में सुख मिलता है, तो उसे बांट करके ही सुख मिलेगा। किसी की धारणा है कि मुझे खुद ही भोग करने में सुख मिलेगा, बांटने से दुख मिल जाएगा, तो खुद ही अपने आप में भोक्ता बन करके व्यवहार करता है संसार में। तो एक की धारणा ऐसी है, एक की धारणा अलग है। क्यों धारणा ऐसी है? क्योंकि उन सबकी धृति अलग अलग है। धृति की चर्चा हम कल कर चुके थे, जिसके कारण हम हमारी संकल्प शक्ति को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज बहुत विशेष चर्चा है जो हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, विशेष रूप से हम साधकों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए इसे श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जितनी भी बातें अभी तक बताई गई थी, ये सब अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार का सुख पाते हैं। तमोगुणी व्यक्ति को तमोगुणी क्रियाओं में सुख की प्राप्ति होती है, रजोगुणी व्यक्ति को रजोगुणी क्रियाओं में सुख की प्राप्ति होती है, सतोगुणी व्यक्ति को सतोगुणी क्रियाओं में सुख की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के भगवान ने फिर अंत में निर्देश दे रहे हैं कि अर्जुन सुख भी तीन प्रकार का होता है। क्या कह रहे हैं भगवान? सुखम तू इदानीम त्रिविधम। सुख भी तू माने, लेकिन लेकिन अर्जुन सुख भी तीन प्रकार का होता है, तुम्हें शायद जानकारी ना हो। बोले समझ लो इस बात को। शरणु में भगवान फिर श्रणु शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि हमें गंभीरता से इस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। शरणु में भरत ऋषभ, भरत ऋषभ, ऋषभ मतलब सर्वश्रेष्ठ। हे भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, सुखम तो इदानीम त्रिविधम शरणु में भरत ऋषभ। और इस सुख इन सुखों की स्थिति कैसी होती है? अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति।
जिनके द्वारा बद्ध जीव क्या करता है, भोग करता है, और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। दुखांतम च निगच्छति। प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। तात्पर्य, बद्ध जीव सुख, भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, क्यों न करे। हम सब सत्चित आनंद भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो आनंद भी भगवान का एक अंश का होने के कारण स्वाभाविक लक्षण है कि हमारे अंदर भी आनंद की वृत्ति तो पाई जाएगी। इसलिए बद्ध जीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है। एकमात्र हम सबकी चेष्टा देखी जाए तो एक ही चेष्टा रहती है, वह है सुख की प्राप्ति। इस प्रकार वह चर्वित चर्वन करता है, रोज जैसा वो कार्य करता है उसी को बार बार करने की चेष्टा करता है। फिर क्या करें, लेकिन ऐसे सुखों के पीछे भागने वाला व्यक्ति, ऐसे सुखों के भी पीछे भागने वाला व्यक्ति लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से, भवबंधन से मुक्त हो जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, अभ्यासात रमते यत्र, बोले जिस सुख के अंतर्गत हम अभ्यास में रमण करते रहते हैं। अब अलग अलग तरह के लोगों के अभ्यास होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अभ्यास में रमण कर रहा है, चाहे वो तमोगुण के अभ्यास में रमण कर रहा है, चाहे वो सतोगुण के अभ्यास में रमण कर रहा है, चाहे वो रजोगुण के अभ्यास में रमण कर रहा है, वो किसी भी अभ्यास में अगर रमण करता है तो बोले दुखांतम च निगच्छति, कभी कभी वो दुख का अंत प्राप्त कर लेता है, अर्थात समस्त दुखों का अंत हो जाता है। कैसी विचित्र बात है, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, सुख की चर्चा कर रहे हैं, और सुख की चर्चा में क्या समझा रहे हैं, बोले ऐसे सुख में जो कि तीन प्रकार का होता है, ऐसे सुख में अर्जुन, उस सुख की चर्चा तुम मेरे से ध्यान से सुन लो, और ऐसे सुख में जो व्यक्ति अभ्यास करता है उसमें रमण करता है, सुख में तो रमण करेगा, आदमी डूबना चाहता है, जैसे दारू का सुख है उसमें व्यक्ति रमण करता है, कोई मांसाहार के सुख में रमण करता है, तो कोई पनीर के सुख में रमण करता है, तो कोई फल के खाने में सुख में रमण करता है। अभी अच्छा खासा कोई व्यक्ति जब कर रहा हो, अचानक से अनाउंसमेंट हो जाए बेल का जूस बनाए आ जाओ पी लो, तो व्यक्ति तुरंत जब वगैरह छोड़ करके बोले वो सुख मिल जाए, इससे बढ़िया बात क्या है, बेल का जूस पीने को दौड़ पड़ेगा। मैंगो जूस तो खैर आजकल चल ही रहा है, बेल का भी जूस अच्छा रहता है गर्मियों में, तो कोई शरबत खस पीने के लिए भाग रहा है, तो कोई शरबत केवड़ा पीने के लिए भाग रहा है, तो सबके अपने अपने अभ्यास हैं, अपने अपने रमण की पद्धति है, कि किसी को किसी में रमण आने आ रहा है तो किसी को किसी में आनंद आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं अभ्यासात रमते यत्र, ऐसे अभ्यास में रमण करने पर जहां वो रमण करता है, बोले दुखांतम च निगच्छति, दुखांतम चेन्नी गच्छती, मतलब बात कर रहे हैं सुख की और बीच में दुख अचानक से कहां से आ गया, और दुख की बात कैसे आ गई, बोले ये रमण वास्तव में रमण नहीं है, ये सब सुख सुख नहीं है, ये सब एक प्रकार से संसार के सुख हैं। अब संसार के सुख हैं तो फिर ऐसे दुखांतम क्यों कहा गया, बोले संसार को भगवान ने पहले ही घोषणा कर दिया, भगवान के मत के अनुसार भगवान ने कहा था दुखालयम अशाश्वतम, तो दुखालय क्या है, बोले जहां दुख मिलता है, सुखालय में सुख मिल सकता था, जैसे मदिरालय में मदिरा मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, औषधालय में औषधि मिलती है, तो भला दुखालय में क्या मिलेगा, बोले दुखालय में भी दुख ही मिलेगा। तो जब दुखालय में दुख मिलेगा तो सुख कहां से आ गया, बोले हमारी दृष्टि में सुख है, हम सतोगुणी, कोई व्यक्ति सतोगुणी होने के कारण स्वाभाविक को, सतोगुणी स्वभाव को प्राप्त होने के कारण उसको सतोगुणी चीजों में सुख मिल रहा है, किसी को रजोगुणी चीजों में सुख मिल रहा है, किसी को तमोगुणी सुख मिल रहा है, वास्तव में ये तीनों के तीनों दुखी हैं, ये तीनों में कहीं सुख नहीं है।
ये तीनों में केवल और केवल रमण करने का एकमात्र मूर्खता भरा अभ्यास है। जैसे कोई व्यक्ति चुंगम खा रहा हो ना, तो उसमें क्या कर रहा है, उसमें कुछ सुख थोड़ी मिल रहा है, उसमें अभ्यास है उसका। बस अभ्यास करने से उसको उसमें सुख आ जाता है, सुख की अनुभूति पागलपन के कारण, भ्रमित होकर के कारण उसको होने लगती है, वास्तव में सुख नहीं। अब विचार करो, कोई व्यक्ति पहले दिन तंबाकू खाता है तो चक्कर खा के गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बीड़ी पीता है तो चक्कर खा के गिरेगा कि नहीं गिरेगा, दारू पिएगा तो उसको कोई अच्छा अनुभूति थोड़ी होगा, भांग खाएगा तो कोई अच्छी अनुभूति थोड़ी होगी। तो कोई भी कार्य में वास्तव में शुरुआत में दुख की ही अनुभूति होती है, लेकिन कोई भी कार्य संसार का, चाहे सतोगुनी है या रजोगुनी है या तमोगुनी है, दुखदायक ही होता है, लेकिन वो अभ्यास करने से सुख प्रतीत होने लगता है। और रोज 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 तमाकू खाएगा, तमाकू खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, तो धीरे धीरे अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि उसमें रमण करने लग जाएगा, और इतना पागल हो जाता है, इतना पागल हो जाता है कि उसको गले का कैंसर भी हो जाएगा। खाते 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 मेरा एक जूनियर था, उसके पिताजी को बेचारे गले का कैंसर हो गया। तो कैंसर हो गया तो उनके गले में ऑपरेशन करना पड़ा, तो गले में छेद हो गया। अब छेद हो गया तो कुछ भी खाएं तो यहाँ से खा रहे हैं तो यहाँ से निकल रहा है, तो उनको लिक्विड डाइट देना चालू करना पड़ा, पाइप गले में छेद करके ढालना पड़ा और वहां से पाइप से उनको लिक्विड फूंक दिया जाए। और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि अब अगर खाओगे तो सीधा मृत्यु है। उसके पश्चात भी उन्होंने तंबाकू खाया। ऐसी स्थिति में जाने के बावजूद भी वो व्यक्ति ने तंबाकू खाया और बोले मरना तो है ही ना, एक दिन नहीं भी तंबाकू खाऊंगा तो भी तो मरूंगा ही ना, बोले खा के मरते हैं। जैसे गृहस्थ जीवन के बारे में बताया जाता है ना कि ये ऐसा लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। तो जैसे तमाकू वाला व्यक्ति की स्थिति कैसी हो गई, बोले खाए वो भी पछताए और न खाए वो भी पछताए। तो खाएगा तो भी मरेगा, नहीं खाएगा तो भी मरेगा। तो फिर साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति, कमजोर बुद्धि वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, खा के मरते हैं ना, फिर तो मरना ही है, हम खा के मरते हैं। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है, खा के मरोगे तो जल्दी मर जाओगे मूर्ख, और नहीं खा के मरोगे तो देर से मरोगे, ये अंतर है। तो अगर देर से मरोगे तो लंबी आयु के कारण तुम्हें भजन करने की सुविधा ज्यादा मिल जाएगी। इसी प्रकार संसार में व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन में चला जाता है तो उसको चिंताएं आकर के घेर लेती है, चिंताएं आकर के घेरने के कारण उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। लेकिन लोगों को लगता है कि हम खा के मरेंगे, बिना खाए क्यों मरेंगे, ये लड्डू इतना बढ़िया है। और साधारण लोग इस बात को इसी तरह से लेते हैं, बोले हाँ ये लड्डू को खा के ही मरेंगे, फिर बिना खाए क्यों मरेंगे, जब पछताते हैं, खा के भी पछताए बिना खाए भी पछताए, तो फिर खा के पछताते हैं, कम से कम कुछ तो सुख की अनुभूति होगी। बोले सुख की अनुभूति तो कहीं है ही नहीं, ये रमण जो है किस कारण से है, सुख जो है किस कारण से है, बोले अभ्यासात रमते। तीनों प्रकार के गुणों के अंतर्गत हम किसी भी स्तर पर रमण कर रहे हैं, ये कभी भी सुखदायी नहीं होता, ये वास्तव में दुखदायी होता है। लेकिन ऐसे दुखों का कभी कभी अंत हो जाता है। अब प्रश्न उठता है, अंत कैसे हो जाता है, रमण में डूबे हुए और अंत कैसे हो जाएगा, बेल का जूस पी रहे और अंत कैसे हो जाएगा दुखों का। बोले दुखों का अंत हो जाता है, कैसे हो जाता है, प्रभुपा जी यहाँ लिख रहे हैं। अब सुख कहाँ है, एक तो प्रभुपा जी ने लिखा कि हम क्या कर रहे हैं, बोले चबाए हुए को चबा रहे हैं। जो इंद्रिय भोग हमने हर शरीर में किया वो भी इसी शरीर में भी वही कर रहे हैं। तो जैसे च्युइंगम वाला व्यक्ति बार बार चबा चुका है, उसको फिर से चबा रहा है, फिर चबा चुका है, फिर चबा रहा है, उसको चबाए हुए को ही चबा रहा है, तो भला उसमें सुख कहाँ है। लेकिन उसका अभ्यास उसको ऐसा फील कराता है कि मुझे आनंद आ रहा है इसमें। इसी प्रकार न जाने कितने जन्मों तक सोने के सुख में रमण किया है, कि हमने खूब सोया है अपने जीवन में,
न जाने कितने जन्मों तक हमने अपने जीवन में इंद्रिय तृप्ति का रमण किया है, इंद्रिय भोग किया है। न जाने कितने जन्मों तक हमने खाने का रमण किया है, हर वैरायटी को हमने चखा है। इतनी वैरायटियों तक चखा है कि हमने मल तक को नहीं छोड़ा है, सुअर बन करके हमने उसको भी चख लिया है। कई बार आदमी सोचता है यार ये रह गया मेरे जीवन में खाने के लिए, ये आइटम नहीं चखा। लोग तरह तरह के आइटम को चखना चाहते हैं ना, बोले अमृतसर का पतीसा नहीं चख पाया। हाँ ये मेरे जीवन से रह गया भाई। बहुत सारे लोग तो इतने निकृष्ट चेतना के होते हैं, वो कई बार सोचते मल नहीं चखा जीवन में, मल कैसा होता है, काश ये भी स्वाद खाने को मिलता। देखो ना सुअर कितना बढ़िया तरह से आनंद के साथ डूब करके खा रहा है। तो व्यक्ति की ये इच्छा भी पूरी करते हैं भगवान। भगवान बड़े दयालु हैं। ठीक है तेरे को इसी में सुख आ रहा है, तेरी धरती ऐसी बनी हुई है, धरती के कारण तुमने संकल्प ऐसा ले लिया है, तुम्हारी बुद्धि ऐसी बन गई है, तुम्हारा कर्तापन ऐसा बन गया, जाओ तुम घोर तमोगुनी होकर के इस मल को भी चख लो। तो न जाने कितने जन्मों तक हमने इस प्रकार के चबाए हुए को चबाया, चबाने की चेष्टा की। आहार निद्रा भय मैथुन इन सब भोगों को हमने निरंतर किया है, इसमें सुख है ही नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से दुखांतम स निगच्छति, दुखों का अंत हो जाता है। कैसे अंत हो जाता है, प्रभुपाद जी उस बात को यहाँ पर तात्पर्य में खोल रहे हैं। एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, केवल और केवल सिंगल उपाय है। चाहे हम सतोगुनी दुखों का, अब इसे समझो, चाहे हम सतोगुनी दुखों का अंत करना चाहते हैं या रजोगुनी दुखों का अंत करना चाहते हैं या तमोगुनी दुखों का अंत करना चाहते हैं, है तीनों दुख ही। लेकिन वो अलग बात है कि तीनों दुखों को अगर मात्र देखा जाए भगवान की भक्ति के कंपैरिजन में, तो ये तीनों के तीनों दुख हैं। लेकिन इनको अपने आप में एक दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए तो तमोगुण से श्रेष्ठ सुख रजोगुण के अंदर है, और रजोगुण से श्रेष्ठ सुख सतोगुण के अंतर्गत है। सतोगुण के अंतर्गत वाला जो सुख है वो काफी मिलता जुलता है भक्ति के सुख के साथ, ज्यादा दूर नहीं है। जैसे आदमी नोट कमाने लग जाए तो नोट कमाने का सुख अलग है, पढ़ाई का सुख अलग है। तो देखा जाए तो वास्तव में तो पढ़ाई का सुख है ही नहीं, पढ़ाई का तो दुख ही दुख है। व्यक्ति अगर अपने जीवन में एनालिसिस करे तो पढ़ाई किस लिए करे, बोले आखिरी में पढ़ाई से निकल करके हम पूरी तरह से नोट कमाएंगे, तो सुख तो नोट में है। पढ़ाई जब बंद हो जाती है तो नोट कमाते तो सुख आता है, और पढ़ाई के अंदर तो दुख है। लेकिन जब हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर जो हमारी हमारी पढ़ाई है वो काफ़ी सुखदायक लगती है, क्योंकि उसमें फाइनल ईयर आ जाता है, फाइनल एग्जाम होना होता है, उसके बाद बस नोट में ही घुसना होता है, फिर आगे की पढ़ाई का झंझट खत्म हो जाता है। फिर वो पढ़ाई थोड़ी सुखदायक हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ाई नौकरी की पढ़ाई से काफ़ी मिलती जुलती हो जाती है। इसी तरह सतोगुणी सुख भक्ति के सुख से बहुत नजदीक का है, क्योंकि सतोगुणी सुख में अगर हम स्थापित हो जाएंगे तो फिर भक्ति में घुसने में ज्यादा देर नहीं होती। इसलिए हमें क्या करना है, तमोगुण से रजोगुण की ओर जाना होता है, रजोगुण से सतोगुण की ओर जाना होता है, और सतोगुण से ही सतोगुण को नष्ट करके हमें शुद्ध सत्व में प्रवेश करना होता है, जिसे भक्ति योग कहते हैं, जैसे शुद्ध भक्ति योग कहते हैं, जैसे गुणातीत भक्ति योग कहते हैं। वो कैसे होगा, एकमात्र उपाय है, क्या है, महापुरुष की संगति से भवबंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। हम सब के सब किसी न किसी इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, लेकिन जब सुसंगति से यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, एक ही चीज, उसको बजट पता चलता है कि एक ही चीज का बार बार पुनरावृत्ति किया जा रहा है, उसी चीज को चबाए हुए को चबाया जा रहा है, और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय हो, जब उसे समझ आता है कि न जाने कितने बार मरा हूंगा मैं, न जाने कितने बार मैं पति बना, न जाने कितने बार मैं पत्नी बना, न जाने कितने बार मैं बालक बना, न जाने कितने बार मैं जवान बना, न जाने कितने बार मैंने पैसा कमाया, हर जन्म में मैंने ऐसा किया,
नारद जी जब अपने घर से विरक्त होकर के जाने लगे तो नारद जी ने पूर्व जन्म में जिस दृश्य का दर्शन किया, जब वो दासी पुत्र थे तो अलग अलग गांवों में अलग अलग नगरों से होते हुए भ्रमण करते हुए उन्होंने अंत में भगवान की प्राप्ति की। आराधना में लगे रहे भक्तों के सानिध्य से। ऐसे भक्तों का सानिध्य मिला, महापुरुष लोग विचरण करते रहते हैं, उन्हें जंगम तीर्थ कहा जाता है। जंगम तीर्थ मतलब चलते फिरते तीर्थ। इस संसार के अन्य तीर्थ हैं ना, जैसे गंगा जी हैं, यमुना जी हैं, प्रयागराज हैं, हाँ पुष्कर है, काशी है, ये सब तीर्थ तो हैं, लेकिन ये तीर्थ जड़ तीर्थ हैं। जड़ तीर्थ इसको कहते हैं जो एक जगह रहते हैं, जैसे वृक्ष होता है ना जड़, जान तो उसमें भी है लेकिन जड़ है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। लेकिन जो वैष्णव होते हैं वो कैसे होते, बोले ये जंगम तीर्थ होते हैं। बताओ जड़ चीज अच्छी है, बेजान, ये एक जगह जिसे कहते हैं चर और अचर जीव, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक अचर हैं जो चल फिर नहीं सकते, एक चर हैं जो चल फिर सकते, कौन से वाले श्रेष्ठ माने जाएंगे, अचर या अचर? बोले जो चल फिर सकते हैं वो जीव श्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसे ही दो प्रकार के तीर्थ होते हैं, एक एक जगह ही टिके रहने वाले तीर्थ हैं और एक जो चलने फिरने वाले तीर्थ हैं। तो चलने फिरने वाले तीर्थ कौन से, बोले वो वैष्णव हैं, वो महापुरुष हैं, भगवान के भक्त हैं। इसलिए गंगा जी से श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं, यमुना जी से श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं, हाँ समस्त तीर्थों से, कुसुम सरोवर से भी श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं, काशी से श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं, पुष्कर से श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं, रामेश्वरम से श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं, अरे अयोध्यापुरी से श्रेष्ठ भगवान के भक्त होते हैं। हमको लगता है आओ हम अयोध्या जाएंगे, यात्रा करने के लिए जाएंगे, बहुत राममय होकर के जाएंगे। अरे कृष्णमय तुम पहले से ही हो, राममय क्यों होने की चेष्टा कर रहे हो? कृष्णमय और राममय कोई अंतर थोड़ी है, राम चेतना ठीक है। अभी संसारी लोगों को इस प्रकार से थोड़ा सा मक्खन मार करके उनको लेकर के जाना पड़ता है, वो अलग बात है। हमें व्यक्तिगत तौर से अपने जीवन में ये बात खोपड़ी में बिठा लेनी चाहिए, कहीं तीर्थों में भ्रमण करने की जरूरत नहीं है अगर महापुरुष का सानिध्य मिल जाता। अगर तीर्थ की इतनी महिमा होती तो प्रभुपाद जी यहाँ पर दुखांत का कारण तीर्थ को बताते, महापुरुष की संगति को नहीं बताते। केवल और केवल वैष्णवों का सानिध्य है, जैसे हमारे उत्तम प्रभु सनातन प्रभु का सानिध्य पा करके अपने जीवन का कल्याण करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन धर्म ही हमारी संस्कृति है और सनातन धर्म ही हमारा कल्याण कर सकता है, और कोई नहीं कल्याण कर सकता। वो अलग बात है, ये दुबई का सनातन बन करके घूम रहा है, दाढ़ी भाड़ी ऊपर का टकला हो गया है और नीचे पूरा एकदम ब्लैक। दूसरा सनातन जो वीडियो में दिख रहा है यहाँ पर, मैं उसकी बात कर रहा था, आप लोग नहीं पहचानते, वो हमारी अपनी बात है। तो क्या समझा रहे हैं, केवल और केवल भक्तों की संगति, और कोई उपाय, ये जंगम तीर्थ है, ये चलते फिरते तीर्थ। और कई बार तो इन तीर्थों को बुलाया भी जा सकता है, गुरु जी को बुलाया जा सकता है, गुरु जी अमृतसर आ जाइए आप, प्रभु जी लोगों को लोग बुला लेते हैं। लेकिन मूर्खता नहीं करनी चाहिए, किसी धूर्त व्यक्ति को, मेरे जैसे धूर्त व्यक्ति को फोन करें प्रभु जी आप आ जाओ और आप जंगम तीर्थ बन करके हमारा कल्याण कर दो, तो समझ लो हम मूर्ख हैं, हमें अकल ही नहीं किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। आचार्यों को बुलाना चाहिए, गुरुजनों को बुलाना चाहिए, उन लोगों का सानिध्य पाने की चेष्टा करनी चाहिए, और कोई उपाय नहीं। तो मैं बता रहा था कि जो वैष्णव होते हैं वो जंगम तीर्थ होते हैं। चतुर्मास का समय था, नारद जी की माँ थी जो दासी थी, एक सेठ के यहाँ काम करते थे, वो ब्राह्मण था, तो उनके यहाँ पर कुछ भक्त लोग आकर के रहने लगे। चतुर्मास के समय भक्त लोग 4 महीने एक जगह रहते हैं, आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन पहले चतुर्मास के समय में बरसात का समय होता था, एक जगह वास करते थे और एक जगह रह के भजन करते थे। तो नारद जी कि माँ उनकी सेवा करने के लिए चली जाती थी, उनके बर्तन धोना, उनको थोड़ा कुकिंग वगैरह करना, उस ब्राह्मण की सेविका थी, तो ब्राह्मण के यहाँ ठहरे हुए थे। तो नारद जी छोटे बच्चे थे तो वो भी सानिध्य पा लेते, उनका जूता खा लेते, संसारी कार्य करते करते भक्तों का सानिध्य मिल जाता है कई बार।
जैसे भक्त लोग नगर कीर्तन कर रहे हैं और सामने वाला दूध लेने के लिए जा रहा है, कमंडल लेकर के, डब्बा लेकर के, वो नगर कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, ये साथ में अपना दूध लेने के लिए जा रहा है, दो चार कदम साथ में मिल गए, बोले इतनी देर का ही भक्तों की संगति से सुकृति बन जाती है और वहां से रास्ता खुल जाता है। नारद जी को सुकृति का रास्ता खुल गया और वैष्णवों की सेवा करने लगे। 4 महीने की सेवा मात्र किया, बस 4 महीने की सेवा का प्रताप ऐसा हुआ, अंदर वैराग्य जागृत हुआ और भगवान की कृपा से उनकी माँ को भगवान ने वैकुंठ बुला लिया सर्प से डसवा करके, और नारद जी छोटे बच्चे खुश हो गए। अच्छा हुआ मेरी माँ चली गई, अब मैं आप शांति से भजन कर सकता हूँ। निकल गए भक्ति करने के लिए, भक्ति किया, अलग अलग नगरों से होते हुए भ्रमण किया और सब परिस्थितियों को संसार के उन्होंने स्वयं अनुभव किया। उसके पश्चात पूरा जीवन भक्ति करके अंत में नारद जी के पद को प्राप्त हो गए, जो दासी पुत्र थे भक्ति करने से नारद जी बन गए। अब नारद जी की मुलाकात फिर वेद व्यास जी से होती है, क्योंकि वेद व्यास जी उनके शिष्य हैं। वेद व्यास जी ने सब पुराणों की रचना किया है, पुराणों की रचना करने के पश्चात, वेदों की रचना करने के पश्चात भी वेद व्यास जी खिन्न बैठे हुए हैं। नारद जी जैसे ही प्रकट हुए, गुरुदेव के रूप में नारद जी को पाकर के वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, बोलिए तो बहुत अच्छा हो गया, मैं बहुत टेंशन में था और गुरु जी आ गए। तो गुरु जी के चरणों में उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव मुझे समझ नहीं आ रहा है, वेद व्यास जी निवेदन कर रहे हैं जो भगवान के अवतार हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, इतना सब कुछ मैंने जीवों के कल्याण के लिए लिख दिया, वेद शास्त्रों का मैंने सब रचना कर दिया, फिर भी मुझे अंदर से शांति की फीलिंग नहीं मिली। तब नारद जी ने, देखो हम तो गुरु जी को बताते ही नहीं कि हमें शांति की फीलिंग नहीं हो रही, उन्होंने तो बड़ी स्पष्टता से बता दिया। थोड़ा सा भी कोई विद्वान बन जाता है ना, वो कभी अपनी गलती को नहीं बताता, और वो 4 वेद 17 पुराण 108 उपनिषद आदि लिखने के बाद भी अपनी गलती को, अपनी कमजोरी को बता, हम अपनी कमजोरी गुरु जी से नहीं बताते, अपनी महानता को गुरु जी को जाकर के व्यक्त करते रहते हैं। विशेष रूप से दो चार पढ़ाई लिखाई थोड़ी बहुत कर लेते हैं तो मैं इतना महान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तुम धूर्त हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा अहंकार है बस, दीनता चली जाती है। तो वेद व्यास जी दीनता पूर्वक नारद जी को प्रश्न कर रहे, मेरा उपाय क्या है? तब नारद जी ने कहा कि आपने भगवान की कथाओं का वर्णन नहीं किया, आपने तो लोगों के लिए तीर्थ बना करके बाकी शास्त्रों को दे दिया। बोले बाकी शास्त्रों में मैंने भगवान के बारे में वर्णन किया है? बोले हाँ किया है, लेकिन आटे में नमक की तरह किया है, बहुत थोड़ा सा किया है, अधिक मात्रा में वर्णन नहीं किया, बाकी तो तुमने संसार के भोगों का वर्णन किया है। तब नारद जी अपना अनुभव बता रहे हैं, जब वो नारद जी बन गए, क्योंकि उन्होंने कई सृष्टियों को पैदा होते हुए और नष्ट होते हुए देखा है, तब उन्होंने बताया, अरे ये कलयुग है, पहली बार थोड़ी आया, न जाने कितने बार आ चुका होता है, और इस कलयुग में इसी प्रकार की घटनाएं होती हैं, कलह प्रधान योग होता है या माया प्रधान योग होता है, या फिर संसार में जो अस्त्र शस्त्र विद्याएं ये सब चली जाती हैं, मशीनरीज का योग आ जाता है, तो ये पहली बार नहीं है, ये हर कलयुग में ऐसा होता है, हर सत्ययुग में अलग स्टैंडर्ड होता है, हर त्रेता युग में अलग चीजें होती हैं, हर द्वापर युग में, लेकिन होती सारी की सारी चीजें वही रिपीट है, इसलिए चबाए हुए को चबाने का प्रयास न जाने हमने कितने युगों से करते आ रहे हो, न जाने कितने युगों तक करते रहेंगे यदि हमने भक्तों की संगति नहीं की। जब भक्तों की संगति जीव कर लेता है, जैसे वेद व्यास जी को नारद जी का सानिध्य मिल रहा है, तो उन्होंने भागवत का आश्रय ले लिया, भागवत की रचना में प्रवेश कर गए, उसी बात को कह रहे हैं यहाँ पर, सुसंगति से सबसे पहले यह समझ लेता है कि या तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते आ ब्रह्म भुवनार्लोका, नीचे से लेकर के ब्रह्म लोक तक सृष्टि का इसी प्रकार से बार बार सृजन होता है, बार बार नष्ट होता है, ये सृष्टि इसी प्रकार से चलती रहती है। हमको कई बार छोटी बुद्धि के कारण ऐसा लगता है कि हम अगर शादी ब्याह नहीं करेंगे तो सृष्टि पता नहीं रुक ना जाए कहीं, अरे कुछ नहीं होने वाला है, सृष्टि अनादि काल से चलती है, ये आगे तक तो चलती रहेगी, ये पुनरावृत्ति, और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय, जब उसे ये समझ आ जाता है कि कुछ नया नहीं है, हमको लगता है ये नौकरी ज्वाइन करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या ये पत्नी तो मेरे को छोड़ के चली गई, ये वाली पत्नी प्राप्त करूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नया नहीं होने वाला, चाहे आप दुनिया के कितने भी पति बदल लो, या कितनी भी पत्नियां बदल लो, या कितनी भी नौकरियां बदल लो,
या कितने भी धंधे बदल लो, कुछ नया नहीं होने वाला है। जब उसको एक पुनरावृत्ति का आभास हो जाता है, तब उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। तो कभी कभी वो ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। ऐसे तथाकथित, देखो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ, तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से, जो केवल रिपीटेशन का आनंद है। जैसे कोई व्यक्ति है ना, किसी शॉप पर बैठा हो और उसे बार कोड डिटेक्ट करना होता है, जो भी खरीदने वाले लोग आते हैं उनको बार कोड सामने मशीन के सामने रखता है और फिर पॉलीथिन आगे करता है, ऐसे रखता है फिर आगे करता है, ऐसे रखता है फिर आगे करता है। अब वो रात को सपना भी देखेगा ना, तो उसमें भी वो बार कोड के सामने ऐसे मशीन पर ऐसा ले जाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे ले जाएगा, ऐसे करेगा, ऐसे ले जाएगा, ऐसे करेगा। अब उसके हाथ को अगर आप पकड़ लोगे ना, तो दुखी हो जाएगा बेचारा, अरे यार मेरे को क्यों नहीं करने दे रहे हो, उसको मजा नहीं है। आप विचार करो हमारे जीवन में, स्वयं के जीवन में, कई बार हम लोग शुरुआत में नौकरी चाकरी ज्वाइन करते हैं, तो नौकरी में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक गधा मजूरी करनी होती है, क्या आनंद आता है उसमें? आनंद तो नहीं देखा मैंने। मैंने खुद नौकरी किया, 2-3 पीरियड मेरे को पढ़ाने होते थे स्कूल में, कॉलेज में, लेकिन कॉलेज में पढ़ाने के बावजूद बाकी समय में आपको फिर भी 5 बजे तक रुकना पड़ता था। वो बड़ा जान पड़ जाता था, चाहे मैं वहां जब भी करता था, शास्त्र भी पढ़ता था, फिर भी 5 बजे तक रुकना मेरे को भारी पड़ जाता था। तो मैं सोचता था यार कब छुट्टी होगी। लेकिन मैंने एक आश्चर्य क्या देखा, मेरा जो HOD थे वो छुट्टी के दिन भी कॉलेज में आते थे, पूरे डिपार्टमेंट की चाबी उनके पास रहती थी और छुट्टी के दिन भी वो कॉलेज में आते, और आकर के पूरा दिन कोई नहीं है कॉलेज में, सिर्फ डिपार्टमेंट में कुर्सी पर बैठ करके, चेयर पर बैठ करके अपना सिगरेट फूकते, आ करके बस ऐसे ही टाइम पास करते, एक दो टीचर उनके जमाने के पुराने वो भी आ जाते, वो भी इसी प्रकार से टाइम पास करते। मैं उनको पूछता आपको आनंद आता है क्या यहाँ पर आने में, मेरे को तो बड़ा दुख लगता है। बोले अब अभ्यास इतना ज्यादा हो गया है ना कि बोले अब घर पे मन नहीं लगता, यहीं पर आकर के दिन, बोले 40 साल की नौकरी हो गई भैया, अब मेरी नौकरी 1 ही साल की थी। तो फिर वास्तव में सुख थोड़ी है, वास्तव में सुख नहीं, लेकिन अभ्यास का सुख है, रिपीटेशन का सुख है, और कोई सुख नहीं। तो हमारा आहार निद्रा भय मैथुन का पता है कितने समय से रिपीटेशन है, अनंत काल से रिपीटेशन चल रहा है हमारा, बारंबार यही अभ्यास मात्र है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, दुखांतम च निगच्छति, उसका दुख का अंत हो जाता है। और यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। भला सुख से मुक्त कौन होना चाहेगा, सुख से तो मुक्त होने की सलाह नहीं दी जाती किसी को भी, और हमारा स्वभाव भी नहीं सुख से मुक्त होना, क्योंकि हम तो सुखमय है, आनंदमय है, भगवान के अंश होने के कारण, भगवान सच्चिदानंदमय है, हम भी आनंदमय है। तो प्रभुपा जी यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो भगवान दुखांतम कह रहे हैं वही सुखांतम है। कौन सा सुखांतम है फिर, बोले वो तथाकथित सुखांतम है, तथाकथित सुख है, वास्तविक सुख नहीं है, वास्तव में तो दुख है, लेकिन अभ्यास के कारण वो हमें सुख की अनुभूति दे रहा है, केवल और केवल रिपीटेशन का ही सुख है। लेकिन कौन मुक्त हो पाता है, जो व्यक्ति भक्तों के सानिध्य में आ जाता है। इसलिए एकमात्र मनुष्य शरीर में हम जीवन में लक्ष्य बनाएं कि हमें भक्तों का संग बनाए, हम पागल होकर के भक्तों को भी संसार में ही घुसा देते हैं। अरे संसार से हमें निकलना है भक्तों का सानिध्य पा करके, ये बात हृदय में हम हृदयंगम कर लें अच्छी तरह से। अब 3 प्रकार के तथाकथित सुख कौन से होते हैं, इसमें हमारे लिए सीखने वाली बातें कौन सी हैं, बहुत काम की बात है, उसको ध्यान से सुनो। चलिए, एक तो हमने बताया था पढ़ाई समाप्ति के बाद पैसा कमाने वाली स्थिति, फाइनल ईयर वाली पढ़ाई कौन सी है। तो अभी हम ऐसे तो है नहीं कि गुणातीत हो गए हों, हम कम से कम सतोगुणी तो बन जाएं, सतोगुणी वृत्ति को तो स्वीकार करें,
बोले सतोगुणी वृत्ति वाला व्यक्ति आध्यात्मिक सुख में घुसने का एक बहुत जल्दी अवसर है उसके पास, बहुत शीघ्रता से वो आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करेगा, जो हमारा वास्तविक स्वभाव है उसको प्राप्त कर लेगा। हमें सतोगुणी बनना है, पहला हम ये लक्ष्य बनाए। सतोगुणी का लक्षण कैसा होता है उसे भगवान कृपा करके बता रहे हैं। सतोगुणी का लक्षण है यत तत अग्रे विषम इव। सतोगुणी कार्य की पहचान क्या होती है, सतोगुणी सुख किसको कहते हैं, दूसरे शब्दों में कौन व्यक्ति है जिसको भगवान का सुख मिलने वाला है। बोले पहले उसको सतोगुणी सुख मिलेगा। सतोगुणी सुख में क्या होता है, यत तत अग्रे विषम इव, सबसे पहले वो सुख जहर जैसा लगता है, वो कार्य जहर जैसा लगेगा। विषम, विषम मतलब जहर सीधा। आपको पता है विष कितना खतरनाक होता है, नीम कितना कड़वा होता है। बोले नीम तो कड़वा होता है, लेकिन सांप जब काला काट लेता है किसी व्यक्ति को, तो उसको नीम खिलाया जाए तो उसको नीम मीठा लगता है। बोले नीम मीठा क्यों लग रहा है, पता नहीं आप लोगों का ऐसा अनुभव है कि नहीं, सांप से कभी कटवाया है कि नहीं आप लोगों ने। आप कटवाने खुद मत चले जाना अनुभूति करने के लिए, किसी को काट ले तो उसको आप देखने जा सकते हो। मैंने अपने गांव में काटते हुए एक तो लोगों को देखा है जिनको नीम खिलाया गया, नीम खिलाया गया तो नीम के पत्ते वो धड़ाधड़ चबाए जा रहा है, चबाए जा रहा है। मैं हैरानी, नीम की दातुन तो हमसे होती नहीं जो दांतों तक ही सीमित रहती है, ये तो सीधा चबाए जा रहा है, खा रहा है आराम से। क्यों खा रहा है, बोले मीठा लग रहा है उसको। तब तो कंफर्म हो गया कि इसको सांप ने काट लिया है। तो बोले नीम उसको मीठा क्यों लग रहा है, जबकि नीम अपने आप में कड़वा है। जैसे आप नींबू खाएंगे तो खट्टा संतरा भी आपको मीठा लगता है, क्यों, क्योंकि नींबू का जो खट्टापन है और संतरे का जो खट्टापन है, चेतना की दृष्टि में अगर अपने अंदर थोड़ा विचार करके देखें तो नींबू तो प्योर खट्टा होता ही है, नींबू का तो पर्पज ही खट्टा है। संतरा कई बार खट्टा निकल जाए तो उसको लगे यार ये खट्टा निकल आया, ये अच्छा नहीं। तो अगर आप नींबू को पहले ग्रहण करेंगे जीभ पर और उसके बाद आप खट्टा संतरा भी खाएंगे तो खट्टा संतरा भी आपको मीठा लगता है। अर्थात संतरे के खट्टे से ज्यादा पहले कोई खट्टापन होगा तो संतरा का खट्टापन आपको मीठा फील होगा। ऐसे ही नींव की कड़वाहट से ज्यादा कोई कड़वाहट अगर अंदर चली जाएगी तो नींव की कड़वाहट मीठी लगेगी। तो भगवान क्या कह रहे हैं, बोले जहर जब व्यक्ति का अंदर सांप का चला जाता है तो सांप का जहर इतना कड़वा होता है, इतना कड़वा होता है, उसको नीम के पत्ते मीठे लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं सतोगुनी जो कार्य होते हैं जिससे हमें सतोगुनी सुख मिलने वाला होता है, उसके बाद हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी। तो बोले सतोगुनी सुख तब मिलेगा जब सतोगुनी कार्य करेंगे, और सतोगुनी कार्य तब होंगे जब हम नीम जैसी कड़वाहट से भी ज्यादा कड़वा जो विष होता है, इतनी कड़वाहट पीने की ताकत हमारे अंदर होगी, खुद से पीनी पड़ेगी। वहां सांप से कटवाने के लिए तो हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ हमें सतोगुनी कार्य के लिए खुद से जाना पड़ेगा और ये जहर पीना पड़ेगा। बोले सतुगुनी कार्य वो कार्य होते हैं जिसको कि करने पर नीम के जैसी कड़वाहट वाला कष्ट नहीं होता, जहर वाला कष्ट होता है, इतना कड़वा लगता है। अगर कड़वा शुरुआत में नहीं लग रहा है कोई कार्य, तो समझ लो वो कार्य सतुगुनी नहीं है, और उसका परिणाम में हमें सतुगुनी सुख मिलने वाला भी नहीं है। अब उदाहरण सीखें। उदाहरण के रूप में जैसे सुबह में उठना, अब जो सुबह में उठना ये ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन सुबह में उठ नहीं सकता। लगे तो बोलो मेरे को जहर दे दो,
लेकिन मेरे बस की बात नहीं उस बारे की। तो कितना कठिन हो जाता है। बचपन से ही माताएं अपना टेंशन उठाना नहीं चाहते, वो सोचते ही उठ जाएगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी, उसको सुलाती रहती सुलाती रहती सुलाती रहती है, और फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि फिर हम कभी उठने का नाम ही नहीं लेते। ये बड़ा खतरनाक हो जाता है। इसलिए कोई भी कार्य जिस कार्य में हमें जहर जैसी अनुभूति अगर हो रही है, जैसे उठना हमने बताया, ऐसी जब हम माला करते हैं तो उसमें जूस जैसी अनुभूति होती है क्या, कि मैं बेल का जूस पी रही हूँ या पी रहा हूँ, ऐसी अनुभूति होती है क्या? अचानक से माला पकड़ा हो उसने, जैसे हम मैंगो शेक का गिलास पकड़े जिसमें बादाम वगैरह भी डाले हुए हैं, काजू वगैरह भी डाले हुए हैं, और बहुत सुंदर हाँ बढ़िया गाढ़ा जूस बना हुआ है एकदम से, मतलब जूस कम अंदर जा रहा है, काजू पिस्ता बादाम अंदर ज्यादा घुस रहे हैं, और उसके साथ साथ गाढ़ा गाढ़ा एकदम बढ़िया टेस्टी हाँ मैंगो शेक अंदर जा रहा है, और गिलास भी इतना बड़ा सा है, इतना बड़ा सा गिलास, आधे हाथ का गिलास पकड़ा दिया जाए हमको, तो कितना स्वाद ले लेकर के आदमी पीता है उसको, कितना टेस्ट के साथ पीता है, एक एक घूंट भी बोले बिना स्वाद के अंदर ना चला जाए, और सोचता धीरे धीरे पीते हैं भैया जिससे कहीं जल्दी खत्म ना हो जाए, है कि नहीं? कितना आनंद के साथ, क्या ऐसी अनुभूति माला को लेकर के होती है? अगर किसी को गिलास ऐसे ट्रे में ले जा करके रख के दिया जाए और तीन चार तरह के गिलास हों, छोटे मीडियम साइज के और बड़े आधे हाथ के, तो हम कौन सा वाला गिलास उठाएंगे उसमें से? मैं अपनी बात कहूं तो मैं तो सबसे छोटा वाला गिलास उठाऊंगा, अरे भूल से भी नहीं उठाऊंगा, प्रवचन देने के लिए भले बोल दूंगा मैं ऐसा, क्योंकि तो सामने है तो नहीं, और जब आएगा ना तब बोले बाकी लोग थोड़ा थोड़ा पी लो, पेट खराब ना हो जाए आप लोगों का, मेरा तो डाइजेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, और मैं पूरा आधे हाथ का गिलास उठाऊंगा। क्या हमारे जीवन में जब गुरुजी ऐसे माला दें तो माला 9 मन के की दें, 27 मन के की दें, 32 मन के की दें, 56 मन के की दें, और 108 मन के की सबसे बड़ी माला, कौन सी वाली माला उठाएंगे? सबसे छोटी वाली माला उठाएंगे, ओके बस ये चलते फिरते आराम से हो जाएगी, 9 मन की वाली, देखो वसुधा माता तो 9 मन की, इसमें पीछे नहीं, कुछ ही लोग होते हैं जैसे राधा किंकरी माता, बोले 108 की भी नहीं, बोले 1008 की उठाएंगे, वाह जय, ऐसे भक्तों का सानिध्य दुर्लभ है भैया, और मैं चाहता हूँ दुर्लभ ही रहे, क्योंकि ऐसे भक्तों का सानिध्य सुलभ हो जाएगा तो हमारे लिए वो जान पे आएगा, इतना जहर पीना हमारे लिए कठिन हो जाएगा, इसलिए ऐसे भक्तों से दूर ही रहना, थोड़ा प्रयास करना आप लोग भी, क्योंकि फिर 1008 वाले तो फिर सीधे वैरागी संत महात्मा एकदम से विरक्त बन जाएंगे, जीना मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए, ज्यादा ही खतरनाक जहर, कोबरा का जहर हो गया वो, तो हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हाँ 108 ठीक है, अच्छी बात है। तो प्राय हम देखते हैं कि जो स्वाद हमें जूस पीने में आ रहा था, क्या माला में वो स्वाद आता है शुरुआत में? नहीं, माला तो जहर जैसी लगती है। हाँ देखते एक तरह से ही है, एक घूंट पियेंगे तो तुरंत देखेंगे अरे इतना कम हो गया, एक घूंट पियेंगे फिर अरे इतना कम हो गया, ये तो बहुत जल्दी जल्दी कम होता जा रहा है, और इधर माला को भी शुरुआत में जब जपेंगे ना तो तुरंत निकाल निकाल के देखेंगे, और उसकी दृष्टिकोण अलग रहेगा हमारा, अरे कमी नहीं हो रहा है, इतनी कितनी माला दिखाई दे रही है अभी तक, अरे कमी नहीं हो रहा है, अभी भी बिल्कुल नहीं खत्म हो रही माला, पता नहीं कब खत्म होगी, अभी भी इतनी बची हुई है। हमारे जीवन में हम इस प्रकार की अनुभूति करते हैं, और पता चलेगा कितना जहर की तरह पीना पड़, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना और उनको दूध से बिल्कुल प्रेम नहीं होता, और उस दूध पे मलाई तो बिल्कुल ऐसी लगती है कि हे भगवान घर वाले मेरे साथ कितनी बड़ी दुश्मनी निभा रहे हैं, और घर वाले उसको मलाई वगैरह अच्छी तरह से डाल करके देना चाहते हैं, वो मलाई मलाई हटा करके देना है तो दो, अरे गधे
ये मलाई तेरे लिए सबसे बड़े काम की चीज है, आगे चल करके तू इस मलाई के लिए तरस जाएगा, स्कूल कॉलेजों में इधर उधर जाएगा, तेरे को मलाई अच्छी नहीं लगी, लेकिन तब तेरे को मलाई की कीमत पता चलेगी। तो शुरुआत में दूध भी व्यक्ति आंख बंद करके पीता है, पीता है कि नहीं? पता नहीं आपका ऐसा अनुभव होगा कि नहीं होगा, वो अलग बात है, लेकिन मेरा तो ऐसा बचपन में अनुभव रहा कि घर वाले जबरदस्ती नींद से उठा करके दूध पिला करके सुलाते थे और जान पड़ जाता था। और मलाई तो विशेष रूप से जान पर छान करके उसको ले जा करके मैं डस्टबिन में डाल देता था, मलाई बिल्कुल नहीं चाहिए। और आज स्थिति ऐसी है कि मलाई के बिना दूध नहीं अच्छा लगता, ऐसी स्थिति है कि मलाई मिल जाए तो बस बढ़िया ही बढ़िया, फिर तो क्या कहना। तो ऐसे ही हम लोगों को शुरुआत में ये जो माला का जो स्थिति है, क्या ये जहर जैसा नहीं लगता? बोले लगता है, समझ लो ये सतोगुनी सुख देने वाला है। इसी तरह से ठंडे पानी से नहाना क्या जहर जैसा नहीं लगता? बाथरूम में चले जाते हैं और आधा घंटे तक तो यही देखते रहते हैं, हाँ पानी गर्म आएगा आएगा, अभी गर्म आएगा, बार बार हाथ लगा लगा करके देखते हैं गर्म आया क्या आया क्या, इतना मुश्किल हो जाता है। जब आने वाला नहीं है फिर भी अब कोई उपाय ही नहीं बचा, तब जा करके मुंह में हवा भर करके पुप्पा बना करके तब एकदम से डाल लेते फटाक से पानी पानी बाल्टी में, अब चलो जल्दी से, बहुत कठिन है, जहर जैसा है ठंडे पानी से नहाना। इसी प्रकार कथा सुनना, कितना चंचल वृत्ति होती है मन की, एक जगह थोड़ी देर के लिए बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। बोले प्रभु जी इतनी लंबी लंबी कथा क्यों करते, छोटी छोटी कथा करनी चाहिए तो सुन पाएंगे, हम सब कलयुगी जीव हैं। मूवी के लिए कोई नहीं कहता कि मूवी आधा घंटे की क्यों है, मूवी के लिए हर व्यक्ति 3 घंटे की मूवी पागलों की तरह देखने के लिए चला जाएगा, क्या कथा को पैसा दे करके देखेगा। और यहाँ कथा नाक पकड़ कर पिलानी पड़ती है जहर की तरह से, छोटे बच्चे होते हैं ना दवाई पीना नहीं चाहता, उसकी नाक पकड़ लेती है माँ, हाथ पैरों को अपने पैरों से दबोच लेती है और मुंह फाड़ करके जबरदस्ती उड़ेल देती है, ऐसे जहर की तरह हमें ये भक्ति लग। और अगर भक्ति नहीं लग रही है हमें जहर की तरह, समझ लो वो भक्ति सतोगुनी भक्ति नहीं है। जैसे मान लो किसी भक्त को बोला जाए हॉल में बैठ के आसन जमा करके जप करो, उसको जहर की तरह लगेगा, वो कहेगा मैं गेट पर ही तो खड़ा हूँ, मैं थोड़ा सा बाहर घूम ही तो रहा हूँ, बस माला तो कर ही रहा हूँ। बोले वो घूम घूम करके भक्ति है, जहर नहीं लग रही मतलब अच्छी भक्ति नहीं, सतोगुनी भक्ति नहीं। सतोगुनी भक्ति उसी को कहते हैं जो शुरुआत में हमें इतनी आसान नहीं लगती, कष्ट वाली लगती, जिसे शुरुआत में हम कहते हैं अच्छा नहीं लगना। कई बार लोग क्या कहते हैं ना, पता है मुझे जप करना अच्छा ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? तो नहीं जप करोगे तो अच्छा लगने लग जाएगा क्या? कोई सोचे मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता तो फिर कब अच्छा लगेगा? बोले मुझे जप करना अच्छा नहीं लगता तो मैं जप करना ही छोड़ दिया, क्योंकि छोड़ देने से क्या होगा, धीरे 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 जप अच्छा लगने लगेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा, छोड़ने से किसी भी कार्य को वो अच्छा थोड़ी बन जाएगा। बोले अच्छा कब बनेगा, जो शुरुआत में अच्छा नहीं लग रहा तुम पियो और बाद में अच्छा लगेगा, क्यों? परिणामे अमृतो उपमम, भगवान कह रहे हैं परिणाम में ये अमृत जैसा लगेगा, लेकिन एक दिन में थोड़ी लगेगा। हाँ परिणाम के लिए पहले शुरुआत में पियो तो सही जहर, और जब जहर पियेंगे ही नहीं तो हम कैसे परिणाम में अमृत की अनुभूति करेंगे? इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है या मेरे को अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे या ना लगे उल्टा नहीं लग रहा है उसे जरूर करना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा है मंगल आरती फिर भी जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है जप करना फिर भी करो, अच्छा नहीं लग रहा है टीटी वर्शिप करना फिर भी करो, अच्छा नहीं लग रहा है साफ सफाई करना क्लीनलीनेस मेंटेन करना फिर भी करो। किसी को अच्छा लगता है क्या क्लीनलीनेस मेंटेन करना? वो सोचता है 8 दिन का झाड़ू एक ही दिन में लग जाए, और पहुंचा तो दूर दूर तक नहीं सोचता, जबकि शास्त्र कहता है जिस जगह पर सोए हो उस जगह पे बिस्तर को अच्छी तरह से फोल्ड करके एवरी डे झाड़ू भी करो और पोछा भी करो। लेकिन किसको अच्छा लगता है? जिस सिंक में हम थूकते रहते हैं, जिस बाथरूम में नहाते धोते हैं, कितना गंद खाना फैला देते हैं वहां जाकर, कोई साफ सफाई करना चाहता है?
अच्छा, ना भी लगे किसी को समर्पण करना अच्छा लगता है? समर्पण करना किसी को अच्छा नहीं लगता, समर्पण भी कंडीशनल करना अच्छा लगता है। मेरी ये कंडीशंस मानी जाएंगे तो समर्पण करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अच्छा लगेगा तो करूंगा। अरे गधे, अच्छा लगेगा तो करेगा, तो फिर तो रजोगुनी कार्य हो गया, तमोगुनी कार्य हो गया, सतोगुनी कहाँ रहा? और जब सतोगुनी नहीं रहा तो तुम्हें भगवान की भक्ति का सुख कैसे मिल सकता है? इसलिए सतोगुनी कार्य के अंतर्गत हमें जो कार्य अच्छे नहीं लगेंगे फिर भी वो हमें करने पड़ेंगे। आज्ञा पालन किसको अच्छा लगता है? आप लोगों में से किसी को आज्ञा पालन अच्छा लगता है? हाथ खड़ा करो। मैं सत्संग करना चाहता हूँ ऐसे भक्तों का, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता आज्ञा पालन करना अभी तक। श्यामा देवी माता जी ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। माता जी मैं आज्ञा दिलवाता हूँ आपको, देखता हूँ कितना अच्छा लगता है। तो आज्ञा, हाथ खड़ा करना सहज हो जाता है लेकिन आज्ञा पालन करना पड़े। बोले जो आज्ञा हमें अच्छी लगे ना वही पालन करना अच्छा लगता है। जैसे हमारे जय मिश्रा जी हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोले हाँ प्रभु जी अच्छा लगता है, आज्ञा पालन करना अच्छा लगता है। अच्छी बात है, अभी आज्ञाएं आई नहीं है ना, जब आज्ञाएं आती है ना तब पता चलेगा। अभी तो बच्चों को आज्ञा दे दी, जाओ बच्चों खेल लो, तो कितना अच्छा लगेगा उस बच्चे को, बहुत अच्छा लगता है। बोले जब बच्चे को पोथी पकड़ करके बिठा दिया जाएगा, मतलब पढ़ तो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं हिलेगा, तब पता चलेगा कि कितना अच्छा लगता है। एक कमरे में 10 लोगों के साथ ठूस दिया जाएगा ना, बोले आज्ञा दी जा रही है यहीं रहो, तब वो कहेगा मेरे को भेड़ बकरी समझाए, इतने सारे लोगों के साथ मेरे को अंदर रख दिया है, मैं आज तक बोले कभी नहीं रहा इस तरह से, मेरे को तो प्राइवेसी लगती है, मेरे को तो अलग से कमरा लगता है, तब पता चलेगा कि हम कितने समर्पण के साथ रह पाते हैं। अच्छी बात है अगर लगता है तो कुछ सौभाग्य है, और ऐसे सौभाग्यशाली भक्तों का ही सानिध्य करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं, भगवान समझा रहे हैं, यत तद अग्रे विषमेव। बोले ऐसे सतोगुणी सुख की पहचान क्या है? इस श्लोक को तो किसी भी हालत में आप लोग याद कर लेना। यत तद अग्रे विषम एव, जो शुरुआत में जहर जैसा लगे परिणामे अमृतो उपम। अच्छा ये अनुभव आप सब कर सकते हैं, जो मंगल आरती कठिन लग रही है शुरुआत में जाने के लिए, लेकिन मंगल आरती के बाद कैसा लगता है? मंगल आरती के बाद अमृतमय लगता है कि नहीं? शुरुआत में भगवान को भोग लगाना कितना कठिन लगता है, ऐसा लगता है कि लगे तो 2 घंटा में और इंतजार कर लूंगा लेकिन भोग कोई और ही लगा दे, मेरे बस की बात नहीं। भोगा मरेगा लेकिन भोग लगाने का कष्ट नहीं उठाना चाहता, हमारी वृत्ति ऐसी है। पता नहीं आपकी तो नहीं होगी, मेरी वृत्ति ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कोई दूसरे ही भोग लगा करके। हाँ भोग लगाया हुआ खाने के बाद अच्छा अवश्य लगता है। तो सभी भक्त लोग ऐसा अनुभव करेंगे, फूला माला जब तक नहीं होती तो कैसा लगता है? बहुत खतरनाक लगता है, ऐसा लगता है पूरा पहाड़ उठाने जैसा है। और 16 माला होने के बाद कितना आनंद आता है, ये कितनी सत्य बात है। इसलिए कह रहे हैं यत तद अग्रे विषमेव परिणामे अमृतो उपमम, ये अमृत के समान सुखतरी है। तत् सुखम सात्विकम प्रोक्तम, अर्जुन ऐसे सुख को सात्विक से सुख कहते हैं, और ये क्या देने वाला है? आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये कैसी विशेष बात है? अर्थात आत्मबुद्धि, बुद्धि मतलब जिससे हम चीजों को समझते हैं, क्या समझ पाएंगे? आत्मा को समझ पाएंगे, आत्मबुद्धि। आज हमारी देह बुद्धि है, आज हम देह को लेकर के बैठे हुए हैं, आज हमारे देह के संबंधों की बुद्धि है, मातृ बुद्धि है, पितृ बुद्धि है, माँ की बुद्धि, पिता की बुद्धि, भाई की बुद्धि, पति की बुद्धि, पत्नी की बुद्धि, बहन की बुद्धि, नाते रिश्तेदारों की बुद्धि, ये सब शरीर के स्तर की बुद्धि है, आत्मबुद्धि नहीं है। जब हम ऐसा कार्य करेंगे, कैसा कार्य? सतोगुणी कार्य करेंगे, तो परिणाम में क्या होगा? आत्मबुद्धि, आत्मा साक्षात्कार को हम प्राप्त हो जाएंगे, आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा की बुद्धि हम प्राप्त कर पाएंगे, और क्या होगा? प्रसादजम, प्रसाद जब मतलब आत्मबुद्धि के स्तर पर जो हमें प्रसाद मिलेगा, अर्थात ये कर्मों का, सतोगुणी कर्मों का परिणाम है कि हमें
आत्मा के स्तर का प्रसाद देगा। आत्मा के स्तर का प्रसाद मतलब तुष्टि आनंद से भर देगा, ये हमें प्राप्त करना है, इसे सतुगुण सुख कहते हैं। रूपा जी लिख रहे हैं, आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। पालन अपने आप नहीं होगा, क्यों, आनंद थोड़ी आएगा, करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं। ये जहर जो पी लेगा वही नीलकंठ बन जाएगा। नीलकंठ महादेव ने जहर पी लिया था और सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ बने। हमें इस प्रकार के विधि विधानों का जहर पीना होगा, लेकिन यदि कोई इन नियमों का पालन करने में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। हम ध्यान दें, हमें सतोगुणी सुख चाहिए और जीवन को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा करके, सतोगुणी भक्ति करके, भक्ति के विधि विधानों का पालन करके, गुरु साधु शास्त्र से हमें इन विधि विधानों को जब सीखेंगे तो हम निश्चित रूप से ऐसे सतोगुणी सुख को प्राप्त कर लेंगे और जो कि जल्दी ही हमें आध्यात्मिक सुख देने वाला है। और आध्यात्मिक क्रिया करेंगे तो हम तुरंत आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए भक्ति को हमने आध्यात्मिक सुख के दृष्टिकोण से सतोगुणी वृत्ति की तरह, सतोगुणी वृत्ति की तरह मतलब चाहे जहर हमें लग रहा है लेकिन फिर भी पियो, फिर भी कष्ट उठाओ। माला कठिन लग रही है फिर भी करो, आरती कठिन लग रहा है फिर भी करो, डीटी वर्शिप कठिन लग रहा है फिर भी करो, कुल मिलाकर के आज्ञा पालन भक्तों का सानिध्य कठिन लग रहा है फिर भी करो, इसके अतिरिक्त तो और कोई उपाय नहीं है। इसके पश्चात भगवान तमोगुणी सुख रजोगुणी सुख के बारे में वर्णन करेंगे, उसको आज हम करने वाले थे लेकिन समय पर समाप्ति हो गया है। धन्यवाद आप सभी के लिए, आप धैर्य के साथ कल के दिन इन चीजों को सीखेंगे और भक्ति मन से लगे। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की वाणी भगवती था की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव जन की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।